और गाइस ये कुछ हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर बना रहे हैं और अभी तैयारियां चल ही रही हैं। और यहाँ पे निक्की मेम साहब भी काट रही हैं, कुछ कटिंग सेटिंग कर रही हैं। और यहाँ मम्मी बैठी है, और मम्मी से पूछा जाए, मम्मी क्या कर रही हैं? आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। ओके, पहली बार बना रही हूँ, देखो कैसे बनता है। अच्छा ही बनेगा मम्मी। अच्छे से क्या क्या काट रहे हो आप? इसमें मैंने काटा है गोभी, फूल गोभी। ओके, और शिमला मिर्च काटी है। ओके, एक आलू काटा है। अच्छा, अच्छा अभी मम्मी कुकर में बनाने के लिए चलते हैं किचन में। हाँ हाँ, अब जा रहे हैं मम्मी किचन में पाव भाजी बनाने। आज मम्मी की एनिवर्सरी है तो मम्मी ही खिलाएंगे हमें पाव भाजी। और बाकी आज मेरी एनिवर्सरी है और मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अब क्या करे, चलता है ना क्योंकि हम लोग जरा थोड़ा इस काम में बिजी हैं, थोड़ा सा ये एनिवर्सरी का बैनर वगैरह बनाने में बिजी हैं। जब ये बन जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा काम हम भी कर लेंगे पाव भाजी बनाने के लिए। मतलब भाजी बनाने के लिए, पाव तो हम शाम को बनाएंगे, पर भाजी बनाने के लिए पहले हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी ना हो तो बटर डाल लो, फिर इन सब्जियों को हम उसमें, और हाँ एक कटोरी इसमें मटर भी चाहिए, मटर मेन है भाजी में। हाँ। अब हम इसको पहले घी में भूनते हैं, उसके बाद आपको आगे का बताएंगे। फिर आगे दिखाया जाएगा कि कैसी बनी है पाव भाजी, वो रिव्यू तो हम देंगे कैसी बनी है, है ना? मम्मी बना रही है तो रिव्यू तो ऑब्वियसली हमें ही देना पड़ेगा। तो अब ये हो गए मसाले रेडी, जो मम्मी ने कर लिए रेडी। और इसमें हमने प्याज डाला है, लहसुन डाला है, और पाव भाजी मसाला डाला है, और मिर्च नमक स्वाद के अनुसार डाला है। कंसिस्टेंसी जो है मसालों की इस तरीके की है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा मतलब उबलने लग जाएगा, तब हम इसमें जो हमने सब्जी प्रेशर कुकर में उबाली थी वो डाल देंगे। रेडी जाइए भाजी। साथ बहुत हंसी आ रही है वैदिक को, हंस रहे हो। अब ये नानी जी भी है साथ में। अब नानी जी पकड़ेंगी। अब ये गली 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 गली। अब ये नानी जी के साथ भी बहुत खुश हो गए हैं और टप्पर टप्पर इधर उधर देख रहे हैं बलून्स को, नानी जी को। नीचे नीचे ये सो गाइज अब सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो रही है। ये होममेड केक है जो दोबारा से बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है पहले से डिमांड आ गई थी केक बनाने की, कि एनिवर्सरी पे भी वही केक बनाना जो हमने मदर्स डे में बनाया था। और ये की है हमने कुछ डेकोरेशन, और ये है हमारा केक जिसे हम अब करने वाले कट। और यहाँ पे ऑडियंस है, भाई मम्मी पापा वैदिक, छोटा वाला भाई वैदिक को नींद आ रही है, और ये हमारे मामा की लड़की स्टाइल मारते हुए। ये देख सकते हैं आप, मम्मी पापा खड़े हो गए हैं सामने, और मम्मी ने पकड़ा है 3 और पापा बनाएंगे 2। ये है कुछ अलग स्टाइल, 32 यानी 32 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और अब 33 ईयर रनिंग में है। तो अब हम कर रहे हैं केक कटिंग, चलो लेट्स स्टार्ट।
बना दी जोड़ी तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी तुहाना कर यारा, तो यारा ये बोले जोगी का तारा। जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ हट जाओ मुझे जाने दो, मखन खाओ खन कंगना, मुझे नहीं बनना तेरा सजना। अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा जोड़ा, ये लाठी देख ले वरना, मत बांधो सफर कमी से, मत बांधो सफर कमी से, मेरे चेहरे की लड़िया तुम्हें लग जाएगी भाजी। तो मैंने शाम को बना दी थी, देखो ये ऐसी भाजी बनी है। अब पाव बना रही हूँ मैं। पाव में पहले हम हरा धनिया डालेंगे और इसको पाव को दबा के फाइनली मेरी बारी आई है और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है पाव भाजी। भाजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही मतलब बहुत टेस्टी लग रही है और डेफिनेटली मैं मम्मी से रेसिपी सीखने वाली हूँ और अगली बार मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। सो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब ये कुछ केक के साथ हम केक खाने वाले हैं, बिकॉज खाना खा चुके हैं तो हमने सोचा मीठा हम थोड़ा लास्ट में खाएं। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ निक्की, यहाँ हम बैठे हुए हैं मम्मी और ये पापा केक खाते हुए, और यहाँ पे वैदिक महाराज जी कार्टून देखते हुए, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। ये मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।